हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर और मैं हूँ रेखा। आज हम दिखाएंगे आपको मैक के फाउंडेशन NC30 NC20 दो, हमने दो सेट लिए हुए हैं लेकिन यहाँ पे अभी एक इस्तेमाल करेंगे, एक बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये जो फाउंडेशन है वो मेरे पास अभी जितने फाउंडेशन है उनको करते हुए मैं संतुष्ट थी, लेकिन मैक के बहुत ज़्यादा हमने नाम सुने हुए थे। मेरे पास हुडा ब्यूटी के फाउंडेशन है लेकिन मैक के बहुत ज़्यादा फाउंडेशन बहुत ज़्यादा था। मैं इसलिए पहले नहीं ले रही थी क्योंकि इतने ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, थोड़ा क्या काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, और इस तरीके के क्लाइंट नहीं आते थे कि इतना चार्ज दें जो हम ये फाउंडेशन इस्तेमाल करें वो इस तरीके से चार्ज दें 15,000-20,000, तो इसलिए मैं इसको रखती नहीं थी। पर अभी क्या है कि अब आप लोगों के लिए वीडियो बनानी होती तो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि किसकी क्या कवरेज है, कौन सा फाउंडेशन अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा है, तो ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस हिसाब से फिर मैंने देखा कि नहीं, मुझे मंगाना चाहिए, तो मैंने मंगाया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले फेस को क्लीन था जो कि था, ये सारी चीज़ें हमने पहले ही आपको बताई। आज मेरा सिर्फ मेन मकसद है फाउंडेशन के बारे में आपको नॉलेज देना। तो यहाँ पे हमने प्राइमर लगा लिया है, प्राइमर को हम छोड़ेंगे लगभग 5 मिनट तक ताकि जो है वो जो प्राइमर का काम है वो प्राइमर करे। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप मेरे मेकअप कोर्स वाले चैनल पर विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो 5 मिनट हो चुका है, अब मैं फाउंडेशन निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे आपके पास मिक्सिंग ट्रे हो फाउंडेशन तो आप वो ले लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे जो है अपने पीछे के हिस्से, हैंड के पीछे वाले हिस्से पे आप जो है निकाल सकती हैं फाउंडेशन। यहाँ पे बहुत सही रहता है, अगर थोड़ा बहुत आपका बच भी जाता है तो आप आराम से इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा लेकर आप कर सकते हैं, एक ट्रे की तरह काम करता है वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी स्किन टोन से मैच करता हुआ ये फाउंडेशन है। इनकी बॉडी फेयर है पर इनका फेस काफ़ी डल है। तो जैसा कि हमने बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने भी सुना था कि मैक के फाउंडेशन की कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है, 100% है और उसमें लिखा भी होता है, तो उसको देखते हुए मैं इनके फेस पे जो प्रॉब्लम थी उसको मैंने यहाँ पे चेक करने के लिए हमने यहाँ पे कोई भी कलर करेक्शन नहीं किया और डायरेक्ट मैंने ये फाउंडेशन लगाया। इनकी स्किन टोन से मैच करता हुआ ये मीडियम स्किन टोन का है, 30 नंबर यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, NC30 इस्तेमाल कर रही हूँ। और आप देख भी सकते हो कि इनके गले से सेम मैच कर रहा है पर इनके फेस थोड़ा सा डल लगता है। तो यहाँ पे ये रहता है कि जैसे हुडा ब्यूटी का है, आप लगाते हुए, चलिए लिक्विड फाउंडेशन है, सभी स्किन टाइप के लिए अच्छा होता है। तो ये होता है कि जैसे जैसे आप लगाइए फाउंडेशन को वैसे वैसे ब्लेंड भी करते चलिए, नहीं तो वो सूख जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ फिर उसको ब्लेंडिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे आई पर भी मैं कर रही हूँ क्योंकि अभी तक मैंने इसके बहुत सारे जितने भी रिव्यू देखे वहाँ पर ये था कि ये थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स को भी हाइड कर देता है। और आप देख सकते हो थोड़ा सा भी ऑक्सीडाइज बहुत ज़्यादा होते हैं जितने भी, अगर हमने हुडा ब्यूटी के फाउंडेशन भी देखे, ये भी देखा, काफ़ी ये सब फाउंडेशन जो है काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडाइज होते हैं कि इसमें एक तरीके का ऑयल होता है, तो लगाने के बाद ये काफ़ी पसीना जैसा छोड़ता है। तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल स्किन टोन में बिल्कुल मैच हो गया है, लेकिन इसने अपनी जो 100% कवरेज की बात थी वो इसमें जो दाग धब्बे थे वो बिल्कुल भी नहीं छूटे हुए हैं। और यहाँ पर मैं फिर से एक बार लगा रही हूँ कि शायद कम था लेकिन उसके बावजूद भी ये बिल्कुल अंदर से जितने भी प्रॉब्लम्स थी वो बिल्कुल भी नहीं हाइड हुई, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो फिर ये प्रोडक्ट जो ऐसा उसमें नहीं, नायका से मंगवाया तो नायका के अभी तक कोई भी प्रोडक्ट मुझे लोकल तो नहीं आए हैं, तो मैं लोकल तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ ये बिल्कुल जो आप देख सकते हो कि बिल्कुल लग नहीं रहा है, इसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो बाहर से झलक रही हैं और इतनी भी प्रॉब्लम इनके फेस पर नहीं है, बस छोटी थोड़ी बहुत ही हैं, पर आप जहाँ लिप्स के आसपास भी देख सकते हो कोई भी प्रॉब्लम हटी नहीं है बल्कि ग्रे हो गया है पूरी तरीके से, आप देख सकते हो हल्का सा। ये जो टोन है येलो स्किन टोन का है लेकिन इसका टोन आप देखोगे दिखने में तो येलो स्किन टोन, जब लगाते हो तो ये थोड़ा सा इसका कलर जो होता है ना पिंक की साइड चला जाता है, सभी ये लोग बोलते हैं, लेकिन मैंने जो महसूस किया वो मैंने देखा कि इसका जो शेड है वो पिंक की साइड चला जाता है जिसके कारण आपका फेस जो है वो ग्रे जैसा दिखने लगता है। तो अगर आपको ये फाउंडेशन को सही तरीके से इस्तेमाल करना है तो मैंने जो एब्जॉर्ब किया मैंने इनके ऊपर लगाया इनकी स्किन टोन का फाउंडेशन, दूसरी साइड चिन शेड लगाया, ये मैंने जो है सुप्रा कलर लगा रही हूँ क्रॉयलान का, ये मैंने स्किन इनकी स्किन टोन से थोड़ा सा एक टोन डार्क है, इससे इनकी प्रॉब्लम छुप जाएगी और फिर इसके ऊपर मैं फाउंडेशन लगाऊंगी, तो जिसका इसका टोन भी येलो टोन है, मतलब ये काफ़ी येलोपन है इसमें, देख सकते हो आप येलो स्किन टोन है, इनकी स्किन भी टोन भी येलो है, तो इनकी इस तरीके से इनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और एक तरीके से ये कलर करेक्शन भी हो गया और जो है हम फाउंडेशन को भी देख लेंगे
देखेंगे कि किस तरीके से ये कलर फाउंडेशन चेंज कर रहा है कि नहीं। अगर हम येलो लगा दे रहे हैं तो जब फाउंडेशन लगाएंगे तो वो पिंक साइड जाएगा या कि इसी तरह से येलो टोन ही रहेगा। अभी आप दिखाएंगे कि येलो टोन कौन सा है। येलो टोन आपको इस साइड का मिलेगा, वो आप देख रही होंगी कि बिल्कुल पिंकिश सा है। शायद वो मोबाइल में इतना अच्छे से मतलब नहीं हो पाए, लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपका येलो स्किन टोन है और फाउंडेशन जरा से भी पिंक की साइड चलाएगा तो आपका वो फाउंडेशन ग्रे होना ही होना है। किसी भी कंडीशन में वो ग्रे हो ही जाता है। अब इधर देखोगे कि इनकी कोई भी प्रॉब्लम छुपी नहीं है, सभी कुछ बाहर से झलक रही हैं। और ये वीडियो में ये है, आप सामने से देखोगे तो फेस ग्रे था इस साइड। और बिल्कुल भी अगर मैं इस लास्ट में मैं सब कुछ बताऊँगी आप लोगों को कि ये फाउंडेशन आपको लेना है कि नहीं लेना है, पर अभी जो मैं बता रही हूँ आप वो देखिए कि अगर ये इसका इस्तेमाल जब भी आपको करना है तो हमेशा एक बेस पहले लगा लीजिए, उसके बाद आप इसको लगाइए, तभी आप इसका फुल प्रॉफिट पाएंगे। अभी ये देखने में येलो लग रहा है पर लगाने के बाद जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो मैं ये चेंज ना हो इसके लिए मैंने पहले येलो कलर का जो चिन सुप्रा में रहता है जो कलर, वो कलर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है ताकि इस फाउंडेशन का कलर बिल्कुल चेंज ना हो, जितनी भी इनके फेस पर प्रॉब्लम्स है वो हाइड हो जाए। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ खास हाइड नहीं हुई, ठीक है। मुझे कलर करेक्शन यानी कि कलर करेक्शन पहले आप करोगे, फिर आप एक कोई बेस लगाओगे, फिर आप ये फाउंडेशन लगाओगे, तब जाके आपको इसके पूरे फ़ायदे मिलेंगे यानी मैक फाउंडेशन के। क्योंकि मैक का जो फाउंडेशन है ये थोड़ा सा क्या होता है कि लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। ये आपका 24 घंटे आराम से चल जाएगा और इसमें क्रैक नहीं पड़ता है, यानी कि फाइन लाइंस वगैरह नहीं दिखेंगी, आपका बेस फटता नहीं है, बल्कि काफ़ी सॉफ्ट स्मूथ होता है और आपको हैवीपन नहीं लगता। जैसा कि आप और कोई जो है फाउंडेशन लगाती तो आपका फेस बहुत खींचा सा हैवी सा लगता है, वो नहीं लगता। अब आप दोनों साइड में देखेंगे अंतर। जो इस साइड में मैंने पहले मैंने यहाँ पे चिन शेड लगा कर लगाए, येलो टोन जैसा लग रहा है, पर इधर वाला थोड़ा सा ग्रेस था लग रहा है, मतलब बिल्कुल स्किन टोन से मैच नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि ये काली हो गई हैं। और इस साइड से उस साइड से वो काली नहीं लग रही थी, लेकिन एक बेस लगाने के बावजूद भी मुझे वो टोन नहीं मिल रहा था, इवन टोन नहीं मिल रहा था, मतलब दोनों साइड से भी मुझे इवन नहीं मिला। दोनों साइड से इनके अपर लिप्स के आसपास जो था वो एरिया बहुत ही ज़्यादा जैसे कि ग्रे टाइप में लग रहा था। आप इधर येलो और उस तरफ ग्रे, इनका पूरा भी जो भी प्रॉब्लम थी वो बाहर झलक रही थी, सॉल्व बिल्कुल भी नहीं हुई थी। और इसमें लिखा हुआ 100% कवरेज, तो यहाँ पे आप अगर ये फाउंडेशन इस्तेमाल करती हैं तो आपको करेक्शन करना होगा और एक बेस, कोई भी एक बेस लगाना होगा, उसके बाद ही आप जो है यहाँ पे ये फाउंडेशन लगाएंगी तो आपका जो बेस बनेगा तो वो बेस तब काफ़ी स्मूथ बनेगा, सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ पे मैंने अपने फेस पर 20 नंबर ट्राई किया क्योंकि ये मेरे स्किन टोन से बिल्कुल मैच कर रहा था। 20 जो था वो फेयर स्किन टोन के लिए, मेरी स्किन फेयर है, मतलब नेचुरल फेयर बोल सकते हैं हम, एक नॉर्मल फेयर वाली, बहुत फेयर, वेरी फेयर नहीं है, ठीक है। और ये कलर भी वेरी फेयर के लिए नहीं है, ये जो कलर है 20 कलर है वो भी फेयर स्किन टोन के लिए है। आप देख सकते हो कि मेरी स्किन टोन से बहुत ही लाइट फेयर हो रहा है, ठीक है। मेरी स्किन टोन जो है येलो स्किन टोन है, ये फाउंडेशन भी येलो स्किन टोन जैसा है। तो यहाँ पे जब हमने इस्तेमाल किया तो हमारी फेस पर भी ये ऑक्सीडाइज हुआ। और क्या होता है कि अगर आप इसको इस पर्पज़ से लगाते हो कि एक बार लगा लेंगे और काफ़ी अच्छी कवरेज मिल जाएगी, तो आप ये तरीका नहीं है बिल्कुल इसको लगाने का। इसका सही तरीका जो है वो आप करेक्शन करिए, एक बेस कोई भी फाउंडेशन एक लगाइए अपने फेस पर, फिर जाके इसको लगाइए, तब आपको एक स्मूथ बेस मिलता है, नहीं तो फिर आपको बिल्कुल लाइट ही कवरेज देता है, जैसे नॉर्मली आपके पास कोई भी फाउंडेशन हो उससे फिर आपको हाई कवरेज नहीं मिलती है, ठीक है। हाँ, बस ये है कि इस फाउंडेशन को लगाने के बाद आपका फेस जो है वो ऐसा नहीं लगेगा कि आपने मेकअप किया हुआ है, काफ़ी हल्का फील होता है, ठीक है, हैवीपन नहीं लगता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आपने कोई चीज़ को थोप लिया हो, कोई मोटा बहुत ज़्यादा इसकी थिकनेस नहीं है, बहुत थिक नहीं है, बहुत थिन है, बहुत पतला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ये कवरेज मिली हुई थी, कोई भी जो दाग धब्बे थे वो थे, जितने भी थे फिलहाल कोई थे नहीं, अनइवन स्किन अपर लिप्स पास थोड़ी बहुत थी वो थी, और ये जो था वो ना येलो स्किन टोन जैसा नहीं, पिंक
थोड़ा सा इसका जो न्यूट्रल अंडरटोन का ये कलर है जिसमें, ठीक है, जिनके येलो स्किन टोन है बहुत ज़्यादा, उनके लिए ये बेस बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है, ये सेड। तो इसमें क्या करना है कि आपको येलो थोड़ा सा फाउंडेशन कंसीलर आपके पास जो है इसको मिक्स करके तब आप लगाएंगी, तब इसकी जो टोन होगी वो येलो टोन आएगी मेरे हिसाब से। आप देख सकते हो कि हमें बहुत कुछ सूट नहीं कर रहा था, तो मेरे हिसाब से आपको अगर इस रेंज के फाउंडेशन लेने हैं तो हुडा ब्यूटी के फाउंडेशन इससे अच्छा है, इससे अच्छा है। तो अगर आपको इस रेंज के फाउंडेशन लेने हैं तो आप हुडा ब्यूटी के लीजिए, हुडा ब्यूटी इससे ज़्यादा कवरेज है और इससे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो मैं आपको वही सजेस्ट करूँगी, आप इसको मत लीजिए, मैं भी इसको रिटर्न करूँगी क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं, 2900 का फाउंडेशन है और इतनी सारी कवरेज देने के बाद फिर आपको देनी पड़ रही है, तो फिर मुझे समझ में नहीं आया फिलहाल। और मैं इसको बहुत अच्छा नहीं समझ रही हूँ, इससे अच्छा है कि मैं क्रॉयलान के प्रोडक्ट लूँ, वो मेरे बजट में भी होगा और उसकी कवरेज भी अच्छी होती है, अच्छा होता है वो मेरे हिसाब, उस रेट के हिसाब से। यहाँ पे देख सकते हो कुछ भी ढका नहीं है, बस मेरी फेयर एक टोन और ज़्यादा लाइट हो गई है बस, और कुछ मुझे यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आप लोग इसको मत लीजिएगा, अगर आप लोगों को लेना है इसी बजट की रेंज में अच्छा फाउंडेशन तो आप हुडा ब्यूटी की फाउंडेशन ले सकते हो। इसकी कवरेज आप सिंगल लगाते हो तो बहुत हल्की कवरेज ही आएगी, बहुत ही हल्की आएगी, मतलब आपकी प्रॉब्लम्स नहीं छुपती, बस आपकी स्किन थोड़ी सी ग्लो जैसी हो जाती है, बाकी और इसमें कुछ नहीं होता है। और अगर आप कोई भी फाउंडेशन लगा कर लगाएंगी तो आपका जो बेस बनेगा वो स्मूथ बनेगा और लॉन्ग लास्टिंग बनेगा, ठीक है। तो अगर आपको जो है ठीक लगता है तो आप ले सकती हैं, लेकिन मुझे रेट के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं लगा। जो मेरा इसके साथ था एक्सपीरियंस करने के साथ वो बहुत अच्छा नहीं है, ये मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। तो मैं इसे सिर्फ स्मूथ बेस बना उसके लिए सिर्फ अगर 5 स्टार में मुझे देना हो तो इसको सिर्फ 2 स्टार ही दूंगी, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को लेना है इस बजट में तो आप प्लीज़ हुडा ब्यूटी के फाउंडेशन लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आपने देख लिया और इसका और भी मैं एक दो बार और इसको ट्राई करूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको अगर मुझे नहीं ठीक लगा तो वापस कर दूँगी। इसके एक दो बार और ज़्यादा हम करने के बाद फुल बेस जो तरीका हमने बताया आपको, उस वहाँ पे मैंने तो बहुत हल्का करेक्शन किया तब नहीं वो हुआ, लेकिन अब जो मैं करूँगी वो फुल करेक्शन और फुल फाउंडेशन के साथ करूँगी, फिर देखूँगी कि इसका क्या है, अगर समझ में आता है तो रखूँगी, नहीं तो इसे रिटर्न कर दूँगी। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि या तो थोड़ा वेट कर लीजिए या तो फिर जो है आप इसको नहीं लीजिए, आप हुडा ब्यूटी लीजिए, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।